आसाम को दर्शक तेहेन नितोल चेकते गहिर खबर चेदाजे नुक को नल नाका पुलिस और नाते नाका पुलिस बनारे पुलिस फद लेकिन जो तो पुलिस को बांग नाका तो सरकारी पुलिस और मिट नाका तो जहाँ पुलिस कमी को लगवा को मनते से उनको दरमा को एमा को मनते उनको आस को दल को उनको दिन तहन को मनखान तेहेन नित धरी रे उनको चाकरी दाखान दाव नौका को एड़ेगा तेहन धरी बाई मे दिन उनको अंत जहाँ अंत धर्ना को दुड़ब दुड़ब तेहन दिन रे नुकु मिट सीएम जहाँ आवास गिराव को मन लेदा और अंक चलावनाक्त सरकारी पुलिस नुक दाराम को कुरुटूदा नुकु दाराम को अक्त जहाँ छात्र मोर्चा को छात्र मोर्चा लीडर महत्व मिटेना तेहन जहाँ पुलिस और नुकु मे दिन को दुड़ब नुकु जहाँ आस ले को पुलिस कर्मी को नामा उनको तलारे मिट मारंग दाल दपाल होना मेखान दाल दपाल जहाँ छात्र नेता जहाँ पठुआ नेता महत्व नई हम ठेगाते चार्जे पड़ा अब तेहन डीसी जहाँ कथा मेखान देला नागन आज पुष्ट लगे है और क्या परिस्थितियाँ इस तरह की जो माइक आलोक में उनसे कई दौर की वार्ताएं हो रही थी और जिला प्रशासन के स्तर पे भी वार्ताएं हुई थी। कल माननीय आयुक्त महोदय तथा माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के स्तर पे भी उनके साथ वार्ता हुई और आज सवेरे आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय तथा आदरणीय गृह सचिव महोदय के स्तर पर भी वार्ताएं हुई और उनकी सारी मांगों पे बहुत विस्तार से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाएं हुई। उनके मानदेय में 25% वृद्धि का निर्णय लिया गया, उनके एक साल के एक्सटेंशन का निर्णय लिया गया तथा आगामी जितनी भी भर्तियां हैं चाहे वह पुलिस विभाग में हो, वन विभाग में हो, एक्साइज विभाग में हो, कारा विभाग में हो, जहाँ पर भी यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है उन सभी नियुक्तियों में इनके लिए विभिन्न प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रावधान तथा नियमावली को बनाने पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और सभी को बिल्कुल नियत तरीके से, संवैधानिक तरीके से, प्रक्रियात्मक तरीके से पूरा कर देने के लिए भी संपूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है और निर्णय दिया गया है। इसके पश्चात भी सभी सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आ गए। बंदोबस्ती पूरी अच्छे तरीके से तैयार करके रखी गई थी, जगह जगह पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय करके रखे गए थे, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज तथा जो भी और क्राउड कंट्रोल के मेजर्स थे सभी को यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा गया था। फिर भी वो लोग यहाँ पर आ गए और लगातार उनसे वार्ता का क्रम जारी रखा गया। सभी अधिकारीगण उनको बार बार समझाने का प्रयास करते रह गए और अभी वर्तमान में यह सभी लोग उठकर वापस से मोराबादी गए हैं। इनको लगातार हम लोग वार्ता करके धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और अभी फिलहाल ये सभी मोराबादी में गए हुए हैं तो भी पूरे वस्तुस्थिति से वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जैसे जैसे मार्गदर्शन निर्देश मिलेगा उसके अनुसार कर कार्रवाई हल की जाएंगी। आखिर सर कोई कार्रवाई भी हो रही है क्योंकि सीएम के क्षेत्र में आए हैं? जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वह सब नियमानुसार की जाएंगी।